सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सेविका समिति भारत की स्त्रियों की एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही दर्शन के अनुरूप कार्य करती है। इसकी स्थापना 1936 में विजयादशमी के दिन हुई थी। राष्ट्र सेविका समिति का ध्येय सूत्र है स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है। राष्ट्र सेविका समिति का मुख्य उद्देश्य है साप्ताहिक शाखाएं लगाना, वहाँ पर सेविकाओं को शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक विकास, मनोबल बढ़ाने के लिए विविध उपक्रम शुरू करना। राष्ट्र सेविका समिति के नवी मुंबई शाखा द्वारा हाल ही में अपने वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन वाशी में किया गया था, जहां पर प्रमुख अतिथि के रूप में राष्ट्र सेविका समिति की कार्यवाहिका सुनंदा देवस्थली, कोंकण प्रांत बौद्धिक प्रमुख स्मिता गुरव, पनवेल की महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, पूर्व नगर सेविका विजया घरत, भाजपा कार्यकर्ता कल्पना छत्रे आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से की गई, जिसके बाद मान्यवरों के हाथों शस्त्र पूजन भी किया गया। इसके बाद सेविकाओं द्वारा योग साधना, लेजिम प्रात्यक्षिक आदि प्रकार किए गए, जिसके बाद संचलन भी किया गया, जिसकी शुरुआत संभाजी राजे उद्यान से की गई एवं समापन शिवाजी चौक में। इस कार्यक्रम दौरान भारी मात्रा में सेविकाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। NMTV से बात करते हुए कोंकण प्रांत कार्यवाहिका सुनंदा देवस्थली ने कहा कि नवी मुंबई में शाखा शुरू होकर 2 साल हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में नवी मुंबई में भव्य पैमाने पर वर्धापन दिन मनाया गया। वो उत्सव आहे तो विजयादशमीचा आहे, तो वर्धापन दिन आहे राष्ट्र सेविका समितीचा, आणि दरवर्षी आम्ही वेगवेगळे प्रत्येक गावामध्ये असं साजरा करतो। तर नव्या मुंबईमध्ये शाखा आता चालून साधारण 1.5 वर्ष झाले, तर आम्हाला मोठ्या प्रमाणात आपण साजरा करूया। संचलन काढलं की असं आजूबाजूच्या लोकांनाही कळतं ना नक्की की इथं काहीतरी कार्यक्रम आहे, आणि म्हणून संचलन आणि आता काही कार्यक्रम झाले, लेजिम आहे, दंड आहे, व्यायाम योगासनं झाले, आणि आता यांचं बहुधक की तेजस्विना वधितमस्व हा विषय। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हर महिला में तेज होता है एवं वो जागरूक करने का कार्य राष्ट्र सेविका समिति द्वारा किया जाता है। तर आपल्यामध्ये तेज असंच, पण फक्त ते जागृत करणं खूप आवश्यक आहे। तर ते कसं जागृत करतं, आणि वेगवेगळी उदाहरणं समितीच्या काही सेविकांची, काही आपल्या आजूबाजूच्या ह्याच्यामध्ये जे असतात तेजस्वी आहेत महिला, तर त्यांनी कसं आपलं तेज जागृत केलं, तर आणि आपण पण ते केलं पाहिजे, आणि नुसतं की आमच्यावर अत्याचार होत आहेत, आमचं हे होत आहे असं न सांगता आपणच आपला हे केलं पाहिजे, विकास केला पाहिजे, आपल्यामध्ये तेज निर्माण केलं पाहिजे। हा विषय आता थोडक्यात सांगितलं, आता ते पुढे सगळ्यांनी हे करायचं की त्याचा अभ्यास करून ते तेज आपल्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करायचा। आता समितीच्या शाखेमध्ये कसं योगासनं करून, खेळ, डंबेल्स, छुरिका आणि असं वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, गीताच्या माध्यमातून, बौद्धिकच्या माध्यमातून असं हे तेज आपण निर्माण करतो। तो वही नवी मुंबई राष्ट्र सेविका समिति की कार्यवाहिका गायत्री गोहाई ने कार्यक्रम की अधिक जानकारी दी। जी, ये पहली बार हुआ है नवी मुंबई में, कोई पथ संचलन विजयादशमी के उपलक्ष्य पर हो या फिर ऐसे भी, ये पहली बार हो रहा है। और जिस तरह के टर्नआउट आप देख रहे हैं, ये बहुत उत्साहजनक है महिलाओं के लिए, तरुणियों के लिए। आजकल की जो परिस्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हमारे सारी बहनों को ये अपील करना चाहूँगी कि आप आएँ और सुदृढ़ हों, मातृशक्ति को और सुदृढ़ करें, और इस हम सभी लोगों को इस प्रोत्साहन देने के लिए हमारे प्रांत की कार्यवाहिका हैं सुनंदा ताई मौशी, जो उन्होंने अपनी मार्गदर्शन से हमें यहाँ पे सराबोर किया। हमारे यहाँ के प्रमुख वक्ता जो स्मिता ताई गुरव हैं, वो भी प्रांत की बौद्धिक प्रमुख हैं, तो उनके बौद्धिक से भी हमें, मुझे बिल्कुल इस बात आश्वस्त हूँ कि हमें सभी को मार्गदर्शन मिला है और इसी तरह से आगे बढ़ने का ये हमारा प्रकल्प है और प्रयत्न करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।